Hello students, today we are discussing quant aptitude quiz for SSC examinations. Our first question is, a shopkeeper makes three varieties of rice costing 11, rate 11, rate 12 and 18 per kg. Which of the following represent a possible ratio of variety of a mixture if at sold 15, rate 15, it will gain 20% profit. मैं मान लेता हूँ कि मैं 11 रुपए वाली को x क्वांटिटी लेता हूँ, 12 रुपए वाली की y क्वांटिटी और 18 रुपए वाली की z क्वांटिटी लेता हूँ, तो मेरा टोटल शेप ये होगा x plus 12y plus 18z is equal to, अब इसने कहा 15 पे 20% प्रॉफिट, तो 20% पे ये हो गया मेरा, इसका CP हो गया 12.5. तो 12.5 x plus y plus z यही होना चाहिए. अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ ये आएगा मेरा 11x और 5.5 z is equal to ये हो गया 1.5 x और 0.5 y. अब अगर 0.11 z is equal to 3x plus y, अब मैं इसी को अगर ऑप्शन से करूं, क्योंकि मेरे पास तीन वेरिएबल है और इसको सॉल्व करने पे मैं बहुत लंबा चला जाएगा. अगर पेपर में टाइम बचाने के हिसाब से यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन ले हूं, तो ऑप्शन सपोज डेट में आप ए से ट्राई करना, मैं इसको डी में लेता हूँ, ठीक है. तो 11z 22 इजिकल टू 3 × x 12 प्लस वाई 10, ये हो गया 22 इजिकल टू 22. तो इसने जैसे कहा ना पॉसिबल रेशियो, तो पॉसिबल रेशियो हमारा डी ऑप्शन हो सकता है, आंसर डी. एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ ड्रम कंटेन 80 लीटर ऑफ एथेनॉल, 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सर इज अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, हाउ मच वाटर इज प्रजेंट इन दिस ड्रम. देखो टोटल क्वांटिटी 80 लीटर, उसमें से 20 लीटर को रिमूव कर रहा, तो कितने परसेंटेज रिमूव कर रहा, 25%. तो अब उसमें बचने वाले में एथेनॉल कितना बचा होगा, जैसे 4 अगर एथेनॉल की मात्रा पहले थी, तो अब 3 बचा है. नेक्स्ट टाइम में यही 3/4 रहेगा, तो ये रेशियो रहेगा 9/16. मतलब पहले अगर एथेनॉल 16 था, तो अब 9 बचा है, ठीक है. अब इसने कहा कि कितना पानी है, तो जो डिफरेंस है वो वाटर है, डिफरेंस इसका है 7 यूनिट का. अब 16 यूनिट इज इक्वल टू 80 लीटर, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 35 लीटर, और ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थ्री मिक्सर्स ऑफ वाइन एंड वाटर ए बी सी आर बींग स्टोर्ड इन डिफरेंट कंटेनर, द परसेंटेज ऑफ द वाइन वैन ए बी आर मिक्स टूगेदर is 46%, the percentage of wine when B and C are mixed together is 50%. If all the mixer are mixed completely in one container, the percentage of wine in A, B and C is 42%, 56% and 46% respectively. Then find overall percentage of wine in the mixer. ये कह रहा है अगर एक मान लो ये A, ये B और ये C container है, तो इसमें wine का percentage है इसमें 42%, इसमें 56% और इसमें 46%. अब ए और बी को अगर मैं मिलाऊं, तो इनका दोनों का 46 बनता है, और बी और सी को मैं मिलाऊंगा, इन दोनों का 50 बनता है, ये 50%. अब अगर मैं इनका मिक्सर का क्वांटिटी का रेशियो निकालूं, ये अपना क्वांटिटी का रेशियो आएगा, टोटल क्वांटिटी का, ये हो गया 10:4, वापस ये 4:6, ये 4 दोनों कॉमन है क्योंकि क्वांटिटी बी की है, तो ये हो गया 10:4:6, ये हो गया 5:2:3. ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो, मतलब ए की क्वांटिटी में इतनी वाइन है, बी में इतनी है और सी में इतना है, टोटल मिक्सर ही इतना है. तो अब मैं अगर इसको मान लूँ 500 लीटर ए में है, 200 लीटर बी में है और 300 लीटर सी में है, तो मेरे पास टोटल वाइन कितनी हुई, 500 लीटर ए में है, तो ए में 42% होता है, 42 का 5 210 लीटर वाइन है,
200 लीटर बी में है और 56% है तो 112 लीटर वाइन है बी में, सी में 300 है, 300 लीटर वाइन है और 46% है, तो ये हो गया 138 लीटर वाइन। अगर मैं इस वाइन को टोटल कलेक्ट करूँ तो ये हो गया मेरा 0.64, 460 लीटर वाइन। अगर 1000 लीटर टोटल कंटेनर बनता तो 460 लीटर वाइन बनती है, तो इसका परसेंटेज हो गया 46%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन ए कंटेन 10% एसिड एंड सॉल्यूशन बी कंटेन 30% एसिड, इन वाटर रेशियो शुड सॉल्यूशन ए बी मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन बी टू ऑब्टेन अ मिक्सर विद 25% एसिड। ए 10% एसिड, बी 30% एसिड और बनाना है 25% एसिड। इसका सीधा मिक्सर रेशियो निकाल दो, 5:20। अच्छा ये 10 है तो ये 15 बचेगा, 1:3। तो 1:3 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम अमाउंट ऑफ रेट 7000 वॉज लेंट एट 6% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 4% पर एनम, इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द फ्रैक्शंस इन 5 ईयर वॉज 1600, द सम लेंट एट 6% पर एनम वॉज। तो 5 साल का ब्याज 1600 रुपये, एक साल का ब्याज कितना हुआ 1600/5, 320 रुपये। ये परसेंटेज कितना होगा 7000 पे, 7000/320। मैं अगर एग्रीगेट परसेंटेज ही निकालूं तो ये मेरा निकलेगा 32/7%। अब एक चीज़ नोट करने की, अगर 6% पे दिया होता तो उसकी एग्रीगेट 66 ही आती, अगर टोटल 7000 दिया होता। अगर 4% भी दिया होता तो 4 आती, जबकि परसेंटेज आई 32/7। तो इसको मिक्सर से अगर निकालूं, ये मेरी जो क्वांटिटी रेशियो आएगा यहाँ पे, वो क्वांटिटी का रेशियो आएगा। इस 7 को मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ, तो ये 28 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अब मैं इसमें से मिक्सर रेशियो निकाल सकता हूँ आसानी से। यहाँ पे आगे कैलकुलेट मत करना, कैलकुलेट वहाँ कैलकुलेशन फंस जाओगे। यहाँ से डायरेक्टली इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और ये रेशियो निकाल लो, ये 4:2। अब इन्होंने 2:5 में इन्वेस्ट किया था तो 7000 थे, 2000 ये 2000 के 6% पे और 5000 4% पे, इसने पूछा 6% पे, 2000 डी आंसर होगा। इसका एक और मेथड है, अगर इसने 6% पे दिया होता तो ब्याज कितना होगा होता है एक साल का, 7000/6/100, 420 रुपये। अगर इसने 4% पे टोटली 7000 दिया होता तो ब्याज कितना होगा, 4×7000/100, 280 रुपये, जबकि ब्याज कितना हुआ है 320 रुपये। तो 420, 280, 320 का फ्रैक्शन निकालूंगा, ये 40:10 देन 100 और ये हो गया आपका 2:5 सेम रेशियो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग है 30 केजी इज मिक्स्ड विद द 8 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग एट 40 रुपये पर केजी, द एवरेज पर केजी प्राइस ऑफ द मिक्स्ड राइस इज। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये यहाँ जो मिक्सर में हमेशा अपर पे लिखी जाती है, ये यहाँ पे रेट लिखी जाती है, और यहाँ जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का रेशियो आता है, क्योंकि रेट पर केजी होता ना, तो ऊपर रेट नीचे केजी, ये इसका ये इसकी यूनिट के हिसाब से आता है। तो अगर मैं 30 ये लिखूँ और 40 है, तो 8 केजी ये मेरा यूनिट और 12 केजी ये और 8 केजी ये, इनका मैं अगर रेशियो निकालो तो 3:2। अब इस रेशियो को हमें, इस रेशियो के सम को इनके डिफरेंस में डिवाइड करना है, इनका डिफरेंस 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बाई 5×3 ये हो गया आपका 6। अब अगर ये 6 हो रहा, मतलब यहाँ से 6 छोटा होगा इससे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसके बीच में तो आएगा, तो इसका 6 छोटा होगा तो ये 34 होगा। अगर मैं इसमें 6 घटा दूँ तभी तो ये आएगा 3 पे, और अगर 2 में डिवाइड करूँ
तो ये हो गया 10/5 × 2, ये हो गया आपका 4, तो 4 इससे बड़ा होगा तो ये 34 हो जाएगा, तो आंसर आ गया अपना 34, एग्रीगेट वैल्यू जो होगी 34 होगी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर मस्ट बी एडेड टू द टू स्प्रिट टू गेन 20% बाय सेलिंग एट द कॉस्ट प्राइस। इसमें एक सीधा सा हिसाब होता है कि आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब अगर आपके 5 रुपये किसी चीज़ के लगे हैं, मैं मान लेता हूँ 5 लीटर के 5 रुपये लगे हैं, तो मुझे 20% लाभ कमाने के लिए 6 रुपये लेने पड़ेंगे, तो 6 रुपये लेने पड़ेंगे। अब बेस तो 1 रुपये किलो ही रहा है जो कॉस्ट पे ही, तो इसे 6 किलो बनाना पड़ेगा, 6 किलो बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा 1 किलो पानी। अब 1 लीटर अगर पानी इसने ऐड किया तो रेशियो हो जाएगा 5:1 मिल्क और ये 1:2 वाटर, ये हो गया 1:5, इसने वाटर रेस टू मिल्क पूछा है, ए और ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन हैज सम हेंस एंड सम काउस, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ हेंस एंड काउ टुगेदर इज 50 एंड द नंबर ऑफ फीट ऑफ हेंस एंड काउ टुगेदर इज 142, द नंबर ऑफ काउज इज। अब इसमें हमें ये देखना है कि सर इसने टोटल दिए हैं 50, मतलब टोटल 50 जानवर है, किसी के 2 पैर हैं किसी के 4 पैर हैं। अगर मैं 50 के 2 पैर मान लूँ तो मेरे पास टोटल 100 पैर हो जाते, जबकि इसने पैर दिए हैं 142, मतलब 42 पैर एक्स्ट्रा है। तो 42 पैर एक्स्ट्रा किसके हैं, जो इनके 4 पैरों के जानवरों के, तो 4 पैरों के जानवर कितने हुए, 42 के 2 पैर बाकी रहे, तो 21 जानवर 4 पैरों के। अब बाकी जानवर कितने, बाकी 2 पैरों के जानवर हो गए। इसने क्या काउच पूछा, काउच 4 पैर का होता है, 21 हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ रेट 25 पर लीटर, इन वाटर रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड इन दैट केमिकल सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सर एट अ रेट 20 लीटर ही मे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। पहली बात तो 20 रुपये लीटर बेचने पे इसे 25% प्रॉफिट होगा, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी होगी, तब वो प्रॉफिट होगा ना, कॉस्ट प्राइस होगी 5, 4, 16 रुपये, मतलब उसके 16 रुपये कॉस्ट पड़ी, तो उसने 20 में बेच के 25% प्रॉफिट कमाया। अब इसको एक केमिकल तो पड़ा था 25 रुपये लीटर, और वाटर इसमें मिक्स करना है वो 0 रुपये का है, वाटर की तो कोई वैल्यू नहीं है, फ्री में है, हालांकि वैल्यू है पर यहाँ 0 मिल रहा है, और कॉस्ट प्राइस बनानी है 16, तो ये हो गया 16, तो ये 0 − 16 और ये 9, ये आपका रेशियो हो गया 16:9, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मिक्सर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, इफ 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर द रेशियो बिकम 1:1, द क्वान्टिटी ऑफ एल्कोहल इन द इनिशियल मिक्सर वॉज। मैं मान लेता हूँ 7x इनिशियल होगा और 5x लीटर वाटर था, उसने 16 लीटर वाटर ऐड किया, ये 1:1 हो गया, 7x = 5x + 100, तो 2x = 100, 100x = 50, एक मिनट एक मिनट, ये 100 लिखा है या 16 होगा ना, 16 और 8x = 8, इनिशियल लीटर में अल्कोहल कितना था 7 × 8, 56 लीटर, एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड ये कि इसको मैं अगर 7x मानूँ, इसको 5x मानूँ, तो इसमें 16 लीटर और मिलाया था, 1:1 हुआ, तो 16 लीटर मतलब 2x ही तो और मिलाना था, 2x = 16, x = 8, ये वही 56, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ पल्सेस पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, ही गेन्स 20% ऑन द होल, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। मैंने आपको कहा था कि ऊपर परसेंटेज
या रेट नीचे क्वांटिटी आती है 18 और ये 15, तो इसका रेशियो निकाल दिया 4:6 2:3। इसने कहा 18 पे कितना सोल्व किया, टोटल 50 है, 50 × 5 × 3 30 रुपये, 30 kg इसने 18% प्रॉफिट पे बेचा है, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मिक्सर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1, अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर, द रेशियो ऑफ मिल्क रेस टू वाटर इन द न्यू मिक्सर इज। अगर 25 लीटर पहले था, रेशियो क्या था 4:1, तो इसमें मिल्क कितना हो गया 20 लीटर और 5 लीटर वाटर, अब इसने 3 लीटर और वाटर ऐड करवा दिया तो ये हो गया 20:8, ये हो गया। अगर मैं 4 से काटूँ तो 5:2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो शुड कॉफ़ी पाउडर कॉस्टिंग एट 2500 kg बी मिक्स्ड विद द कॉफ़ी पाउडर कॉस्टिंग रेट 1500 kg, सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सर इज 2250 रुपये पर kg। तो 2500 रुपये किलो की एक कॉफ़ी और दूसरी हो गई 1500 रुपये किलो की, को मिक्स किया गया 2250 रुपये, मिक्सर बनाया गया, तो ये मिक्सर की क्वांटिटी का रेशियो आ गया 750, और ये हो गया 250, ये रह गया 3:1, ये 250, ठीक है 3:1, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन मेक्स 5 किलोलीटर्स ऑफ मिल्क एट रेट 600 पर किलोलीटर विद 6 किलोलीटर ऑफ मिल्क एट रेट 580 पर किलोलीटर, हाउ मैनी किलोलीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द मिक्सर रेट 48 पर किलोलीटर। इसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 5 किलोलीटर मिलाया 600 रुपये पर किलोलीटर का, ये हो गया 3000 रुपये, 5 लीटर ये हो गया 5 किलोलीटर, और 6 किलोलीटर 580 रुपये पर किलोलीटर, तो 6 × 580 3480 रुपये ये हो गए, ये मेरे पास हो गया 6480 रुपये का 11 किलोलीटर। तो 6480 का 11 किलोलीटर के साथ 0 रुपये पर किलोलीटर का वाटर मिलाना और उसको 480 रुपये पर किलोलीटर बनाना मिक्सर को, तो मैं इसमें से ये निकालूँ, ये हो गया मेरा 480 और 6480/11 माइनस 480 और 480 825, ये हो गया मेरा 5280, तो ये बच गया 1200/11। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालो तो 480 × 11 = 1200, 12 × 48, ये 4 से 0 0 गया, 2 से 5 टाइम गया, ये बच गया 22:5, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलॉय ऑफ एलॉय इज मेड बाय मिक्सिंग मेटल ए कॉस्टिंग रेट 2000 पर kg एंड द मेटल बी कॉस्टिंग रेट 400 kg इन द रेशियो ऑफ ए रेस टू बी इज इक्वल टू 3:1, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ दिस एलॉय। मतलब 8 kg अगर मैं उसको मिलाऊं इसी मिक्सर को तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 3:1 में अगर 8 kg मिलाऊं तो 6 kg पर, और 6 kg पहला और दूसरा 2 kg, ठीक है, तो 2000 रुपये 6 किलो और 400 रुपये का 2 किलो, तो ये 800 रुपये ये हो गए और 6 × 2 = 12000 ये हो गए, 12800 टोटल कॉस्ट हो गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। ओके गाइस, अपना आज का क्विज कंप्लीट हुआ, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, पानी को बचाइए, और इसी तरह अपनी तैयारी को आगे चलते रहने दीजिए, एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। अभी NTPC की 130,000 जो वैकेंसी आई है उस पर हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, और RRB उसके लिए RRB JEE और SSC और बैंक्स के लिए तो प्राइम ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप स्टोर अड्डा पे जाके इनको देख सकते हैं।
ओके गाइस, थैंक यू।